नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल स्टॉक पर। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी से रिलेटेड जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप समय का सही उपयोग कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी आर्य प्रदेश, सी अवध प्रांत और डी उत्तरी प्रांत। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप ये भी बताइएगा आपको कितने आते थे और कितने नहीं आते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि यूनाइटेड प्रोविंस, जो उत्तर प्रदेश को हम पहले जिस नाम से जानते थे उसे हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए और आगे मैं और कुछ क्वेश्चन की आपको जानकारी देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ए गोविंद वल्लभ पंत, बी श्री नारायण दत्त तिवारी, सी चौधरी चरण सिंह या डी हेमवती नंदन बहुगुणा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत सबसे अधिक समय तक दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा भी जा सकता है। इसका जो आपको ऑप्शन दिए ए लखनऊ, बी मेरठ, सी इलाहाबाद या डी कानपुर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मेरठ है। शायद आपको ये पता भी होगा, कॉमन क्वेश्चन है ये बहुत। इसके बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, बी संसद, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यपाल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राज्यपाल है। जो राज्यपाल होता है उत्तर प्रदेश का वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? ए महात्मा गांधी, बी चरण सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था उत्तर प्रदेश में। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, ए जिलाधीश, बी कानूनगो, सी तहसीलदार या डी आयुक्त। जो जिलाधीश होता है दोस्तों वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है उत्तर प्रदेश के जिले का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बांदा, हमीरपुर, जालौन या ललितपुर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो हीरा जो उत्तर प्रदेश में जिस जिले से निकाला जाता है वो है बांदा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। ए लाल दोमट, बी जलोढ़ दोमट, सी बलुई दोमट या डी लाल व काली मिश्रित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी है, लाल व काली मिश्रित मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ए ललितपुर, बी बांदा, सी हमीरपुर या डी मिर्जापुर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो ए है, ललितपुर। अभी मैंने जो इससे पिछला क्वेश्चन बोला था उसमें हीरे की बात की थी तो बांदा था, और अब जब यूरेनियम की बात हो रही है तो यहाँ पे ललितपुर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? ए गंगा, रामगंगा, शारदा या यमुना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यमुना। यमुना जो है इसी से, डी इसका राइट आंसर है, यमुना। उत्तर प्रदेश की जो आगरा नहर है ओखला के पास वो यमुना से ही निकाली गई है, यमुना नदी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन डाले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मैं आपको और भी आगे ऐसी वीडियो देते रहूं तो आप इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।